हाल ही में यूएस में एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया है जिसे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यूएसए का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असर न सिर्फ यूएस पर पूरे ग्लोबल मार्केट पर, इंटरनेशनल ट्रेड पर भी पड़ेगा। सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग। सबसे पहले एक बार सिलिकॉन वैली बैंक की वर्किंग को समझते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक बेसिकली यूएस में वीसी और पी से रिलेटेड बिगेस्ट बैंक है। वीसी और पी क्या है? वेंचर कैपिटल्स और प्राइवेट इक्विटी। बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट्स जो स्टार्टअप्स में किए जाते हैं। अब ये जो वीसी और पी को ये क्या करता है, सिलिकॉन वैली बैंक लोन देता है और वीसी और पी ये लोन स्टार्टअप्स को देते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक एक दूसरा काम जो ये करता है वो ये करता है कि सीधे सीधे स्टार्टअप्स को डायरेक्टली लोन दे देता है। इसके साथ साथ अब जो ये स्टार्टअप्स हैं जिन्हें ये पैसा मिल रहा है, जिनका प्रॉफिट हो रहा है, ये भी तो पैसा कहीं ना कहीं रखेंगे। ये कहाँ रखेंगे, इनके अकाउंट्स कहाँ हैं? इनके अकाउंट्स भी सिलिकॉन वैले बैंक में हैं। यानी कि यूएसए के बड़े से बड़े स्टार्टअप्स के अकाउंट्स जो हैं वो सिलिकॉन वैले बैंक में है, उनका पैसा सिलिकॉन वैले बैंक में इन्वेस्ट हो रखा है। अब ऐसा क्या हुआ कि ये पैसा इकट्ठा एक तरह से डूबता हुआ दिख रहा है? डूबता हुआ दिख रहा है इसलिए क्योंकि अभी हर चीज प्रोबेबिलिटी पर चल रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है। हो सकता है यहाँ पर स्नोबॉल इफेक्ट लग जाए। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है कि एक छोटी सी सिचुएशन जो शुरू होती है और अपने साथ साथ लेते लेते कई चीजों को अपने साथ मिला लेती है और एक बड़ी चीज बन जाती है जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। हो सकता है कि ये एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है जो लॉसेस हुए हैं वो रिकवर हो जाएं, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये किसी को नहीं पता। और क्या ये लॉसेस रिकवर हो भी पाएंगे या नहीं, ये भी कहीं ना कहीं किसी को नहीं पता। अब जब हमने समझ लिया है कि सिलिकॉन वैली बैंक का बेसिक फंक्शन क्या था, अब बात करते हैं कि यहां पर ये घाटा होना शुरू कैसे हुआ। ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगी क्योंकि इस वीडियो का मेजर एम यही है कि आम लोगों को भी समझ में आए कि ये सिलिकॉन वैली बैंक का पूरा मुद्दा क्या है। सीधी सी बात इतनी सी है कि 2019 और 2022 के अगर इनके डेटा को कंपेयर किया जाए तो ये पता चलता है कि कैसे 2019 में जो इनके पास डिपॉजिट थे, यानी कि स्टार्टअप्स का जो पैसा डिपॉजिटेड था, उससे कई ज्यादा पैसा इनके पास डिपॉजिटेड था 2021 या 22 में। जब ऐसा हुआ, जब इनके पास पैसा आया तो ये भी तो इस पैसे का कुछ तो करेंगे। क्या करेंगे? दो चीजें कर सकते हैं, या तो ये इस पैसे का लोन्स दे दें या तो स्टार्टअप्स को या वीसी या पीई को, या फिर इन ये जो पैसा है इसे खुद कहीं इन्वेस्ट कर दें। उस समय क्योंकि जो यील्ड थी वो काफी कम थी, तो जो सिलिकॉन वैली बैंक्स के डिसीजन मेकर्स रहे होंगे उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने सोचा कि यील्ड्स तो भी कम ही रहेंगी क्योंकि एक तरह से जो एक पूरे दुनिया में जो चल रहा था मार्केट का फ्लो उससे यही लग रहा था। लेकिन यील्ड्स 2019 से 2022 में 1% से 4% पर पहुंच गई। जब ये यील्ड्स 1% से 4% पर पहुंची तो इनके बॉन्ड शेयर की जो वैल्यू होती है वो अपने आप गिर गई। यील्ड्स की वैल्यू और बॉन्ड शेयर्स की वैल्यू एक दूसरे पर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घट जाएगा। जब ऐसा हुआ तो यहां पर इनके जो बॉन्ड शेयर थे जो इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे थे लॉन्ग टाइम में, उसकी वैल्यू कम हो गई। छोटी मोटी कम नहीं हुई, काफी बड़ी रकम में कम हुई। इतनी कम हुई कि इनकी वैल्यू 60% गिर जाती है, इनके शेयर्स की वैल्यू। और जब इनके शेयर्स की वैल्यू 60% गिर जाती है तो जो इनके बैलेंस शीट में गैप आता है उसे भरने के लिए ये फंड रेज करने की बात करते हैं, लेकिन ये फंड रेज उस कैपिटल को रेज करने में भी नाकामयाब हो जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो पूरे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। इनके जो डिपॉजिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और जिन कंपनीज का इनसे किसी भी तरह से कनेक्शन है, उन सब में पैनिक आ जाता है और यहां पर होने लगता है मेजर सेल ऑफ। इस सेल ऑफ के चलते इस बैंक के शेयर्स की वैल्यू और ज्यादा गिरती जाती है। अगर हम इस समय की बात करें तो ये जो बैंक है अब इसे पूरी तरह से फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कमीशन FDIC जो कि यूएस की एक संस्थान है उसके कंट्रोल में ले लिया गया है। अब जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कंपनी है इन्होंने बेसिकली ये कहा है कि पर डिपॉजिटर के लिए इनके पास $50,000 का स्टैंडर्ड इंश्योरेंस अमाउंट है। लेकिन जो रिपोर्ट्स से उनका कहना है कि इन डिपॉजिटर्स का इस रकम से कई ज्यादा रकम इस बैंक में डिपॉजिटेड थी पहले से। क्या उन्हें वो रकम वापस मिल पाएगी या नहीं और कितने समय में मिल पाएगी, ये सब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है।
अब जानते हैं कि SVB फाइनेंशियल क्राइसिस के आसपास और क्या चीजें चल रही हैं। SVB के जो CEO हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को एक मैसेज में कहा है कि माय हार्ट इज विद यू, यानी कि उनकी प्रार्थनाएं इन एम्प्लॉइज के साथ हैं। इसके साथ ही साथ SVB के जो CEO हैं, वो मेंबर थे बोर्ड ऑफ द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सैन फ्रांसिस्को, और यहां से उन्होंने एग्जिट कर दिया है जब से उनके खुद के बैंक में इतना बड़ा क्रैश हुआ है। इसी के साथ साथ FDIC यानी कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसके बारे में हमने आपको बताया, वो SVB के एम्प्लॉइज से कह रही है कि वो 45 दिन काम करें, वो उन्हें 1.5 गुना ज्यादा सैलरी देगी, क्योंकि FDIC को कहीं ना कहीं भरोसा है कि अगर एम्प्लॉइज सही से काम करते रहेंगे तो ये जो लॉस है इसे ये कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये एम्प्लॉइज को वीकली रिपोर्ट्स भी देंगे। दुनिया में एक इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, और ऐसा हो सकता है कि इलॉन मस्क इस बात में बीच में कुछ ना कुछ अपनी कमेंट ना करें। इलॉन मस्क ने कहा है कि ट्विटर इज ओपन टू द आइडिया ऑफ बाइंग SVB आफ्टर द बिगेस्ट क्लैश इट हैज एवर सीन। बेसिकली आफ्टर द बिगेस्ट क्लैश जो 2008 के बाद किसी ने भी देखा है, उस बैंक को खरीदने के लिए ट्विटर विचार करेगा, ऐसा इलॉन मस्क का कहना है। बात करते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स का क्या कहना है। स्नैपडील के CEO ने बताया कि कैसे 2012 में जब उनका एक कठिन समय चल रहा था, तो SVB की वजह से वो उनका जो है बिजनेस था वो बंद नहीं हुआ, इट केप्ट देम गोइंग। और वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि शायद पेटीएम का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर था SVB, और अब SVB कोलैप्स की वजह पेटीएम पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन पेटीएम ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि SVB अब उनका इन्वेस्टर नहीं है, एक समय था और काफी हेल्दी टर्म्स पर एग्जिट किया था, यानी अच्छा खासा प्रॉफिट देकर एग्जिट हुआ था SVB पेटीएम से। सिलिकॉन वैली बैंक के साथ जो भी हुआ है वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है। एक तरह से काफी चीजें हैं, काफी सवाल हैं जिनके जवाब किसी को भी नहीं पता और शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग फर्स्ट कि क्या SVB की तरह और भी ऐसे बैंक्स हैं USA में जिनके साथ सेम चीज हो रही है या होने वाली है, और अगर वो और बैंक्स हैं तो क्या वो भी ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस देखेंगे, या फिर ऐसे भी तो बैंक्स रहे होंगे जिन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होगा। जब बैंक्स में जिन बैंक्स ने इस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया होगा उनका भी पैसा अटक गया है, और जो उनका खुद का पैसा था वो भी तो जनता का ही पैसा था, यानी कि जनता का तो पैसा पूरी तरह से अटका हुआ है SVB फाइनेंशियल क्राइसिस में। इसी के साथ ये भी देखने की बात है कि ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुई है USA इसे कैसे मैनेज करेगा, और सिर्फ USA ही नहीं, ऑन द ग्लोबल लेवल, ऑन द इंटरनेशनल मार्केट लेवल ये चीज कैसे मैनेज हो पाएगी, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियोस में। इस वीडियो को देखकर हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ये जो सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस हुआ है, जो इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस इस समय आया है, ये क्या है। मैंने कोशिश की कि आपको बहुत आसान भाषा में समझा पाऊं। बाकी मेक श्योर यू लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड फ्लॉग।